नामदाफा के घने जंगलों में एक वाइट बेलीड हिरन यानी सफ़ेद पेट वाला बगुला अपने परिवेश पर नज़र फेरते हुए आज के शिकार के लिए तैयार हो रहा है। अपनी सांप जैसी लंबी गर्दन और मजबूत चोंच के बल पर ये पक्षी हर दिन घंटों तक पानी से मछलियां निकाल सकते हैं। सौभाग्य से हिरन के लिए इन नदियों में काफी मछलियां हैं, लेकिन दुनिया के ये दूसरे सबसे बड़े बगुले गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। विश्व में केवल 60 बचे व्हाइट बेलीड हिरन धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एशिया के अंतिम विशाल और सुंदर जंगलों में से एक है। भारत में व्हाइट बेलीड हिरन की सबसे बड़ी आबादी यहीं नोआ देंग और नामदफा नदियों पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी इसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। वर्षों से होते आ रहे शिकार ने उन्हें इंसानों के प्रति विरक्त और अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। इस क्षेत्र में सड़कें नहीं होने से पार्क की नदियों में आसपास की बस्तियों के निवासी आते जाते रहते हैं। निकटतम शहर से आधुनिक चिकित्सा तथा राशन प्राप्त करने के लिए गांव वालों को पैदल या राफ्ट के सहारे जंगल पार करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में भीड़ और बढ़ जाती है, क्योंकि ये समय होता है ताड़ी या गांधी पुक के शिकार का। कोरिडियस कुल के इस कीट का स्थानीय लोग पकवान बनाते हैं। स्थानीय लोगों के कई ग्रुप नदी के किनारे इस कीट को खोजते फिरते हैं, जिससे हिरन घबरा जाते हैं। अंततः वे अपना आवास छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन व्हाइट बेलीड हिरन की घटती आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है उसके प्राकृतिक आवास का विनाश। व्हाइट बेलीड हिरन ऊंचे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं, जिनमें से कई पिछले कुछ दशकों में काट दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 130 से अधिक बांध प्रस्तावित हैं, जिनसे यहाँ की नदियों का प्राकृतिक आवास पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट बेलीड हिरन के घोंसला स्थलों के पास बांध बनाने से वे घोंसला छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि हम नामदफा में बचे व्हाइट बेलीड हिरन को बचाने के लिए तेजी से कदम नहीं उठाते हैं, तो भारत इस दुर्लभ प्रजाति को हमेशा के लिए खो देगा।